गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास टू। पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बीरबल की बुद्धिमानी। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि अकबर बीरबल के किस्से के बारे में। अकबर बीरबल के एक और किस्से के विषय में हमने इस पाठ में पढ़ा। जिस प्रकार अकबर हमेशा अपने टेढ़े सवालों से बीरबल को फंसाने की कोशिश किया करते थे और हर बार बीरबल बड़ी चतुराई से उसका जवाब दिया करते थे, इस बार भी अकबर उनके सामने ऐसा ही सवाल रखते हैं कि बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा करना है। और बीरबल इस बार भी बड़ी चतुराई से बांस को छोटा करके दिखाते हैं। इस तरह से इस पाठ में अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली। तो आप लोगों ने भी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज हम लोग इस पाठ का जितना भी क्वेश्चन आंसर है अभ्यास कार्य उसको करेंगे। तो पेज नंबर 64 में जो अभ्यास कार्य है उसमें सबसे पहला है मौखिक प्रश्न और उसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कॉपी में भी। क, अकबर सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? अकबर सुबह सुबह सैर करने जा रहे थे। कहाँ की जगह में क्या हो जाएगा? सैर। और पूरा वाक्य जैसा है वैसा ही रहेगा। ख, अकबर ने किसे साथ चलने के लिए कहा? किसे साथ चलने के लिए कहा? अकबर ने बीरबल को साथ चलने के लिए कहा। ग, अकबर का पैर किस चीज से टकराया? किस चीज से? तो अकबर का पैर बांस के टुकड़े से टकराया। आगे है लिखित प्रश्न और पहला है उसका सही उत्तर पर टिक लगाइए, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर उसमें जो सही आंसर है उसमें क्या करना है? टिक चिन्ह लगाना है। तो सवाल क्या है? बीरबल और अकबर सैर के लिए कहाँ गए? बड़े बाग, दरबार या फिर मैदान? सही आंसर क्या है? बड़े बाग में गए थे, है ना? ख, रास्ते में बीरबल अकबर को क्या सुना रहे थे? ऑप्शन क्या है? लतीफे, किस्से या फिर समाचार? तो क्या सुना रहे थे बीरबल? किस्से सुना रहे थे। किस्से कहानियां, है ना? तो सही आंसर होगा किस्से। दूसरा है रिक्त स्थानों को भरिए। मैंने यहाँ पर भर दिया है। क, अकबर बीरबल के किस्सों को ध्यान से सुन रहे थे। आप हमेशा जो भी शब्द भरेंगे उसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे इस तरह से। ख, बीरबल को एक दीवार के सहारे लंबे लंबे बांस रखे दिखाई दिए। ग, पहले वाले बांस के टुकड़े को बीरबल ने दाएं हाथ में लिया। घ, अकबर बांस के दोनों टुकड़ों को देखकर मुस्कुरा दिए। लिखित प्रश्न का तीसरा है और तीसरा प्रश्न का उत्तर हम लोगों को थोड़ा विस्तार से देना है। क,
अकबर ने बीरबल से क्या करने के लिए कहा? उत्तर क्या होगा? अकबर ने बीरबल को बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा करने को कहा। ख, अकबर क्या करना चाहते थे? उत्तर होगा, अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। ग, बार बार कोई काम करने से क्या होता है? बार बार कोई काम करने से वह काम आसान हो जाता है और वह काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आपका वर्क है लेसन नंबर, शीर्षक लिखना और सारे प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखना है।